अगर आपको नहीं पता है एक ऑडियो एडिटिंग के बारे में तो काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देखने भी पड़ते हैं जिसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ऑडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे वीडियोस के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा ऑडियो क्लियर होगा उतना ज़्यादा हमारी ऑडियंस हमसे इंटरेक्ट कर सकती है। बट ऑडियो एडिटिंग स्मार्टफोन से करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके लिए मल्टीपल एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना पड़ता है एंड डाउनलोड भी कर लिया। एंड अगर आपको नहीं पता है एक ऑडियो एडिटिंग के बारे में तो आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देखने भी पड़ते हैं जिसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। बट आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है, जहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं अपनी ऑडियो कहाँ से एडिट करता हूँ। क्रोम ब्राउजर आपको सबसे पहले ओपन करना है, देन सर्च करना है Adobe पॉडकास्ट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट पे स्विच कर लेना है। इसके बाद आपको अपना अकाउंट वगैरह लॉगिन वगैरह कर लेना है। देन ऊपर वाले ऑप्शन पे आप जब यहाँ पे टैप करोगे तब आपको दो ऑप्शंस आएंगे। इसमें आपको इनहेंस वाले ऑडियो के ऑप्शन पे टैप करना है। इसके बाद आपको अपनी ऑडियो फाइल को इंपोर्ट करना है या फिर आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो मैं एक ऑडियो फाइल को इम्पोर्ट कर लेता हूँ और दोनों के बीच में कंपेरिजन बताता हूँ। तो भैया सबसे पहले मैं आपको एक रियल ऑडियो सुनाऊँगा, उसके बाद एडिटर ऑडियो सुनाऊँगा, देन मैं दोनों को एक साथ प्ले करूँगा ऑन ऑफ करके। अब आप बताना डिफरेंस आता है कि नहीं आता है इन 5 सेकंड के बीच में। एक ऑडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे वीडियोस के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा ऑडियो क्लियर होगा उतना ज़्यादा हमारी ऑडियंस हमसे इंटरेक्ट कर सकती है। एक ऑडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे वीडियोस के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा ऑडियो क्लियर होगा उतना ज़्यादा हमारी ऑडियंस हमसे इंटरेक्ट कर सकती है। ऑडियो एडिटिंग स्मार्टफोन से करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके लिए मल्टीपल एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना पड़ता है एंड डाउनलोड भी कर लिया। एंड अगर आपको नहीं पता है एक ऑडियो एडिटिंग के बारे में तो आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देखने भी पड़ते हैं जिसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। बट ऑल राइट, अभी का वीडियो एंड हो चुका है। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय।